बम बम भोले, दुनिया डोले, जल्दी से फिजिक्स के साथ होले, नहीं तो जीवन भर खाएगा हिचकोले। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा चैनल अमर सक्सेना फिजिक्स क्लासेस, और मैं हूँ अमर सक्सेना। आज हम लोग स्पर्श कोण क्या है इसके बारे में जानेंगे। कर हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट, स्पर्श कोण क्या है। आंसर कहता है हमारा, स्पर्श कोण का परिभाषा दिया जाता है, किसी किसी द्रव और ठोस के किसी द्रव और ठोस के संपर्क बिंदु पर किसी द्रव और ठोस के संपर्क बिंदु पर द्रव के वक्र पृष्ठ पर द्रव के वक्र पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या कहता है, कि किसी द्रव और ठोस के संपर्क बिंदु पर द्रव के वक्र पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा द्रव के अंदर ठोस पृष्ठ के साथ जो कोण बनाती है उसे स्पर्श कोण कहते हैं। स्पर्श कोण का क्या परिभाषा दिया जाता है हमारा, कह रहा है कि किसी द्रव और ठोस के संपर्क बिंदु पर, ये हमारा द्रव है और ये जो हमारा दिया गया है ग्लास या ठोस है, एक ग्लास में पानी रखा हुआ है, ग्लास हमारा ठोस है और पानी जो हमारा है वह द्रव है, ये दोनों का संपर्क बिंदु हमारा पी है। कह रहा है किसी द्रव और ठोस के संपर्क बिंदु पर, ये हमारा संपर्क बिंदु पी है, द्रव के वक्र पृष्ठ पर, ये जो पीछे जो हमारा खींचा गया है ये द्रव का वक्र पृष्ठ है, द्रव के वक्र पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये जो हमारा इस पी से ये स्पर्श रेखा खींचा गया है पीक से, हमारा इस स्पर्श बिंदु से द्रव के वक्र पृष्ठ पर पीक्यू स्पर्श रेखा खींचा गया है। द्रव के अंदर, ये जो द्रव के भीतर ठोस के पृष्ठ के साथ, ये जो हमारा ठोस का पृष्ठ है उसके साथ जो कोण बनाती है उसे स्पर्श कोण कहते हैं। ये जो कह रहा हमारा, ये द्रव और ये ठोस का जो ये संपर्क वाला सतह पी है, इस संपर्क वाले सतह से वक्र पृष्ठ पर ये पी क्यू स्पर्श रेखा खींचा गया है, ये पी क्यू स्पर्श रेखा द्रव के भीतर हमारा इस ठोस के पृष्ठ के साथ जो कोण बनाती है उसे स्पर्श कोण
कहते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें।